स्टूडेंट नेक्स्ट है एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ फोर्स ऑफ टू न्यूटन, फोर्स 2 न्यूटन दी है और एरिया दिया है 2 cm², तो प्रेशर फाइंड करना है हमें कि प्रेशर कितना लगेगा। फोर्स है हमारे पास 2 न्यूटन और एरिया है 2 cm², हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, पर फोर्स होनी चाहिए न्यूटन में, एरिया होना चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो फोर्स तो न्यूटन में है ही, एरिया को हमने मीटर स्क्वायर में करना है। अगर सिर्फ 1 cm होता तो हम 100 से डिवाइड कर देते, पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 1 cm को 1 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एक नीचे 100 आ जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो 200 आ जाएंगे, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसको फर्दर लिखेंगे तो 2/4 जीरो आ जाएंगी और ये आ जाएगा 0.0002, ये चीज़ बन जाएगी। इसमें सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, फोर्स है 2 न्यूटन, एरिया है 0.0002, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट ये मीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन है, ये 2 ऐसे ही चला जाएगा, जो इसकी जीरोस हैं पॉइंट की जगह पे 1, पीछे 4 पॉइंट हैं तो 4 जीरोस लग जाएंगी, ये 2 के साथ कट गया, नीचे मीटर स्क्वायर है, ये आ गया 10,000 न्यूटन/m², तो ये प्रेशर आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट है प्रेशर फाइंड करना है, फिर फोर्स है 2 न्यूटन और एरिया है 2 mm, 1 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये होगा 1000 m, मिलीमीटर स्क्वायर है तो 1000 × 1000 m हो जाएगा, 1000 × 1000 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6 जीरोज आ गई और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 6 रकम छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर प्रेशर का फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स 2 न्यूटन है, एरिया ये पॉइंट जो है ऊपर जाके चेंज हो जाएंगे फिर, तो इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है कि अगर फोर्स इनक्रीज होगी तो प्रेशर भी इनक्रीज होगा, और अगर फोर्स डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, मतलब अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर भी कम लगेगा। जो सेकेंड है एरिया के प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है अगर एरिया बढ़ाएंगे हम तो प्रेशर कम होता जाएगा, और अगर एरिया घटाएंगे तो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसकी सिंपल सी बेटा एग्जांपल है, ये पेन के ब्लंट साइज है, ब्लंट साइड को अगर इसका एरिया देख लो, एरिया इसका ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा इसका। ये शार्प एज है, इसका जो एरिया है वो कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जो नीडल्स होती हैं वो शार्प पॉइंट्स उनके होते हैं, क्योंकि जो शार्प पॉइंट होते हैं वो सरफेस एरिया भी स्मॉल होगा, और उसको अगर कॉटन के क्लॉथ वगैरह को या वैसे भी क्लॉथ को स्टिच करना है तो बहुत इजी पास करना होगा कपड़े से, फोर्स हमारी इतनी नहीं लगेगी। सेम ही जो मेथड है अगर पिंस वगैरह लगाते हैं तो उनसे भी सेम होता है, क्योंकि एरिया कम होता है फोर्स ज़्यादा लग जाती है। नोटिस बोर्ड पे जो पिन वगैरह लगाते हैं वो भी इसी बेस पे होती हैं।